ग्वालियर से है, जहां क्राइम ब्रांच ने पैसे डबल करने का लालच देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मशीन व केमिकल के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पकड़े गए आरोपियों ने पैसा डबल करने के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बनाया। पकड़े गए आरोपियों ने ग्वालियर शहर में 4 लोगों से 11 लाख रुपए की ठगी करना स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य लोगों के साथ भी इनके द्वारा ठगी की गई है। विगत दिनों इंदौर पुलिस द्वारा पकड़ी गई गैंग की तर्ज पर आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में CSP मुरार, DSP अपराध ऋषिकेश मीणा एवं DSP अपराध ग्वालियर रत्नेश तोमर के मार्गदर्शन में प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक नरेश गिल व थाना प्रभारी मुरार निरीक्षक शैलेंद्र भार्गव द्वारा क्राइम ब्रांच व थाना मुरार की टीम को मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया। पुलिस टीम को जेड़ेरुआ बांध तिराहे के पास एक सफेद रंग की बिना नंबर की क्रेटा कार खड़ी दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई तो उसमें 5 लोग बैठे मिले। 5ों की तलाशी लेने पर एक संदिग्ध के पास नीले व काले रंग का बैग मिला, जिसमें केमिकल से भरी एक प्लास्टिक की बोतल रखी हुई थी। साथ ही उसमें काले रंग के 2 कपड़े, 2 कांच की प्लेटें व काले रंग का पदार्थ भी मिला। उक्त संदिग्धों से बिना नंबर की कार के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने ग्राम बेड़ा थाना मुरादाबाद जिला मुरैना निवासी अपने साथी का होना बताया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना मुरारा में धारा 420 का मामला पंजीबद्ध होने से उक्त आरोपियों को थाना मुरार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से की गई प्रारंभिक पूछताछ में कई लोगों के साथ भी लाखों की ठगी की वारदात करना स्वीकार किया है। पकड़े गए ठगों से कई राज्यों में की गई करोड़ों की ठगी की वारदातों को खुलासा होने की संभावना है। आपको बता दें कि 11/2/2022 को फरियादी पुष्पेंद्र राजपूत निवासी गुड़ीगुड़ा का नाका ने थाना मुरार में रिपोर्ट की थी कि सुबह MS चौराहे के पास उसका एक दोस्त 2 अन्य व्यक्तियों के साथ खड़ा हुआ था। वहां पर उसने उसे बताया कि यह दोनों लोग मशीन के जरिए पैसों को डबल कर देते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए से कम की रकम को डबल नहीं करते हैं। 3 लाख रुपए मेरे पास है, तुम केवल 2 लाख रुपए मिला दोगे तो पैसे डबल हो जाएंगे। मेरे द्वारा अपने पास से 2 लाख रुपए अपने दोस्त को दे दिए। इसके बाद उसका दोस्त अन्य दोनों के साथ उसे लेकर नारकोटिक्स ऑफिस के सामने खड़े खाली खंडर में लेकर गया। वहां पहले से 2 लोग मौजूद थे। उन्होंने 5 लाख रुपए लेकर उन्हें कांच की प्लेटों के बीच बांध दिया। उसके बाद केमिकल लगाकर काले कपड़े में रख लिया। उसके बाद उससे कहा कि अब इन नोटों को आग से तापना होगा, इससे इनमें लगा हुआ केमिकल नोटों के साथ रखे गए कागजों को नोट बना देगा। एक गिरोह को पकड़ा है जो कि भोले भाले ग्रामीणों को और कुछ शहर के लोगों को नोट डबल करने के बहाने ठग रहे थे, और अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है इसके मुताबिक इन्होंने 25-30 लाख रुपए की ठगी कर चुकी है, और उससे उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है, कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, जो इनका